India being a civilization state, what are the areas in which, new areas in which India and Russia can work together? India किसी से डरता नहीं है. मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है. इंडिया किसी से नहीं डरता. Build a unique in its quality and level of trust relations with the Indian nation, and I can say directly in this case, and the way we feel and the way we understand coming from our Indian friends, there is a overall national consensus about the development of relations with Russia, with our country. इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है. दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया. हमें अमेरिका से ज्यादा लेनी पड़ी है, सऊदी अरब से ज्यादा लेनी पड़ी है. कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज़ को रख के सामने रखना होगा. पर वही वजीर खारजा जो सा इंडिया का है वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते. और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया. ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एसजे शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ. रशिया का शुरू से जो है उसका इंडिया का अलायंस है, पाकिस्तान शुरू से एक इंक्लिनेशन है वो अमेरिका की तरफ है. हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है. अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है. अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं, किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें. अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें. अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे, अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे. अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा. तो हम तो दरमियान में सैंडविच बन के रह गए हैं, तो हमें आई थिंक कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम पॉलिसी एक तरफ लेके चलें, अदरवाइज इसी तरह हम लोग फिर बस होके रह जाएंगे. इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है? पूरी दुनिया के अंदर पांचवें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आ गई है. बहुत से ममालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया. फिर आप देखें इंडिया किसी से डरता नहीं है. मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है. इंडिया किसी से नहीं डरता. अमेरिका ने उन्हें रोका. और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे सबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो ऐसा ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है. बिल्कुल ऐसा ही है. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं, किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें. अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें. अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे, अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे. अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था. जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा. और मजे की बात यह, आपने ये जो बात की कि अमेरिका ने मना किया फिर भी उन्होंने ट्रेड की रशिया के साथ, फिर भी उसके इस टाइम रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है इंडिया के, और अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है. अमेरिका मजबूर है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना. इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं. वो डिप्लोमेसी वो डबल साइड खेल रहे हैं गेम. अमेरिका के साथ भी वो ताल्लुकात अपनी खराब नहीं कर रहे, रशिया के साथ भी ताल्लुकात नहीं खराब कर रहे. जबकि हमारे लीडर्स को देख लें, हम डर जाते हैं या हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, उसकी वजह क्या? कुछ लोग ये कहते हैं जी हमने पैसे देने हैं लोगों के, इसलिए अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाते. आपको लगता है कि इसके अंदर पॉलिसी मेकर का कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ये पैसे देने ना देने का अलग फैक्टर है? इसके अंदर देखिए हमारे सिस्टम का फॉल्ट है. कोई पॉलिसी मेकर, हर सिस्टम के अंदर हर चीज आ जाती है. हमारे सिस्टम के अंदर ये गैर मुल्कियों की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इख्तदार के फैसले, कुर्सी के फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं. यहाँ पर मौजूद अवाम जो है वो सिर्फ बज़ाहिर वोट डालती है, लेकिन इख्तदार के फैसले बाहर मुल्क से किए जाते हैं, यहाँ पर बंद कमरों में बैठकर किए जाते हैं, ताकतवर लोग मिलकर करते हैं. तो जब तक इस मुल्क का को डेमोक्रेसी है, लेकिन इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ. अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट,
अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट यू नो एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है, इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राजशाह हुआ करते थे हु वाज हेड ऑफ द यूएस स्टेट एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ यूएस स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं, ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट, वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए सीआईए चीफ, अगर वो सीआईए चीफ आ जाते हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया ये भी है और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिसक्रेडिट किया गया था जिसको ट्रंप ने जारी बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं, देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजिशन में आ सकते हैं, हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, वो तो एक स्मार्ट पर्सनैलिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि वॉट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिकन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर ए पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन आर इन सीनियर पोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देर इज अ था ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पर आप क्या समझते हैं, दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट, पॉसिबिलिटी है और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इसको वेव ऑफ कर दें, लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा कि जो मुझे नजर आता है जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इन चीजों को नहीं देखेगी, इट विल नॉट, अमेरिकन डीप स्टेट विल नॉट लेट डोनाल्ड ट्रंप टू ब्रश असाइड ऑल दीज थिंग्स क्योंकि ये पॉलिटिकल चेंज आ गई है, सो वो उनको वैसे ही लेके चलेंगे जो चीजें वहां पे हैं। सो अब ये जिसे आप समझे ना कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया जिनका ताल्लुक अलकायदा ISIS से रहा है। कहा जाता है कि जो ट्रंप साहब की जो फर्स्ट टर्म थी प्रिंसिपल डेप्टी एंड एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस नेशनल इंटेलिजेंस से जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनको वो देखते थे, डेप्टी असिस्टेंट रहे हैं प्रेजिडेंट के और